दो तीन चार, एक दो तीन चार, क्या हल्का क्या होता भार, ऊपर नीचे दूर पास, जमा घटा गुणा और भाग। अरे ठहरो, जरा समझ तो ले। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम संख्या का जादू भाग दो। चलो कोई नया खेल बनाते हैं। मुझे तो कोई नया खेल आता ही नहीं। पर आज नया खेल कौन बनाएगा? हाँ, तुमने कुछ सोचा है? कोई बात नहीं, पुराना खेल लेते हैं। आज मैं एक नया खेल बताता हूँ। बता बताओ, हमें भी तो बताओ। मेरे खेल का नाम है मैंने जाना संख्या क्या है। मेरा खेल ये है, तुम अपनी उम्र लिखो और मैं बता दूंगा वो क्या है। ये भी कोई खेल है भला? हाँ, ये भी कोई बात है। हो सकता है तुम्हें पता हो उम्र क्या है। नहीं नहीं, तुम कुछ भी लिख सकते हो, फिर भी मैं बता दूंगा। अच्छा, अगर तुमने देख लिया तो ठीक है, मैं उधर जाता हूँ, तुम चुपके चुपके लिख लो। लिखते हैं, अगर उसे पता हो तो। मैं 10 साल का हूँ, तो हम 11 साल लिख देते हैं। लिख लिया? हाँ, लिख लिया। अब इस कागज को कहीं छुपा दो। छुपा दिया। छुपा लिया। छुपा लिया। तुमने जो संख्या लिखी है उसमें 5 जोड़ो। 16 हो गया? हो गया। हो गया। अब इस जोड़ को 2 से गुना करो। 16 को 2 से 32 हो गया? हाँ, हो गया। अब उसमें से 10 घटा दो। 22 कर लिया? हाँ, कर लिया। तुमने जो संख्या लिखी है उसको 2 से भाग करो। ठीक है। 16 को 2 से 32 अब बताओ क्या उत्तर आया? 11 आया। तो ये वो संख्या है जो तुमने सोची थी। ये तुमने कैसे जान लिया? ये संख्या का जादू है। ये तो बड़ा जादू है। अरे भाई, सीधी सी बात है, तुम जिस संख्या से गुना करते हो अगर उसी से भाग दे दोगे तो वही संख्या आ जाएगी ना जो तुमने सोची है। ये तो बड़ा अच्छा जादू है। मैं करूँगा। हाँ, करो, करो। मैं करूँगा। मैंने सोचा 10, इसको 2 से गुणा करते हैं। 20 अब उसे 2 से भाग कर देते हैं। 10 ये था जादू। ये तो हमें अच्छी तरह से समझ में आया। बहुत मजा आया। संख्या का जादू भाग 2। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार ईशान, वंश, आईनीश, तन्मय, तनीषा, मृत्युंजय, अभिनव, हंसिका, रेणुका, लवनीश और रितिका। ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंडो और सरोज महापात्रा। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। आलेख, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।